बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीरत बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बेकाबू वाटर टैंकर निजी बैंक में घुस गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आज़म इमरान खान को बीमारी करार देते हुए कहा कि ये बीमारी 2018 में ही आ गई थी, जो मास्क पहनने से नहीं जाएगी बल्कि उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। करतारपुर राहदारी को एक साल मुकम्मल हो गया। करतारपुर राहदारी का एक साल मुकम्मल होने पर करतारपुर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़श्ता साल 9 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गोरो नानक के योम पैदाइश के मौके पर करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह किया गया था। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दामाद ने वजीर खजाना के अहदे से इस्तीफा दे दिया। तुर्की के वजीर खजाना और सदर तैयब उर्दवान के दामाद बैरातुल बैराक ने मुल्क की खराब मौशी सूरत हाल के बाइस पैदा होने वाले दबाव के बाद इस्तीफा दिया है। सिंध में कोरोना केसेस की शरह 4% से बढ़ गई। महकमा सेहत के मुताबिक 27 जुलाई को सूबे में वायरस की शरह 4.61% रिकॉर्ड की गई, जबकि अक्टूबर के महीने में वायरस की शरह 1.9% से 3.1% के दरमियान रही है। ये थी अब तक की ताज़ा खबरें। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए 97newstv.com। मिलते हैं मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सीरत बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।